नमस्कार दोस्तों, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी तो भाग गई है, वो तो कब से ही भाग गई है, लेकिन बीच में कुछ दिनों से तो एफआईआर का दौर चल रहा था, विधानसभा में मामला उठ रहा था, लोकसभा में मामला उठ रहा था। अब दो दिन हो गए, थोड़ा शांत जैसा माहौल हो गया है। कुल मिला के लोग इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और यदि इसी हिसाब से चलता रहा तो ये दो चार दिन के अंदर बात भी पूरा नहीं हो जाएगी और किसी के पैसे आने वाले नहीं होंगे। यदि सभी लोग जिनके पैसे इस कंपनी में फंसे हुए हैं, वो लोग इकट्ठे हुए हों और एक जगह योजना बनाएं और हड़ताल या प्रदर्शन का भी कुछ करें, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम की, जांच टीम की, सरकार की, सबकी आंखें खुलेगी और देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यदि इसी हिसाब से मामला चलता रहा तो चंद दिनों के अंदर यह मामला ठंडा पड़ जाएगा और कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। जो पैसे जाने थे वो तो चले ही गए हैं, लेकिन इनको वापस लाने के लिए क्या हो सकता है, उसके बारे में अपने को सबको मिलके सोचना पड़ेगा। और यदि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आपकी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लेकिन नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के पैसे जिन लोगों के चले गए हैं वो वापस आने मुश्किल लग रहे हैं।